हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी रीड लेसन 11 सेविंग द एनवायरनमेंट इन SST क्लास 5। सेविंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण का बचाव या पर्यावरण की बचत। लेट्स स्टडी। एन एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विद विच एन ऑर्गेनिज्म में इंटरैक्ट। पर्यावरण में सभी जीवित और निर्जीव, सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं जो एक जीवों में एक दूसरे में सहभागिता है। ऑल द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। सभी जीवित और अजीवित जो वस्तुएं हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सोयल एंड सनलाइट आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। वायु, जल, वन, मिट्टी और सूरज की रोशनी पर्यावरण के सभी घटक हैं। ए हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स को एक्सिस्टेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एक स्वस्थ वातावरण में सजीव और निर्जीव वस्तुओं का सह अस्तित्व पाया जाता है। इट मस्ट बी क्लीन बिकॉज ए क्लीन सराउंडिंग हेल्प्स अस टू रिमेन हेल्दी। यह साफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक स्वच्छ आस जो है वातावरण, एक स्वच्छ आसपास हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। And clean and dirty surroundings causes different kinds of germs and disease. गंदे और गंदे वातावरण विभिन्न प्रकार के रोगाणु और रोग पैदा करते हैं। It is also a major causes of environmental degradations. तो यह पर्यावरण संबंधी अपघटित होने का भी एक प्रमुख कारण है। Human activities and environment. तो human का जो activities है उसकी जो प्रतिक्रिया है और वातावरण उसके बारे में। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर ऑल देयर नीड्स बट ह्यूमन एक्टिविटीज हैव हार्म द एनवायरनमेंट इन मैनी वेज। तो मानव गतिविधियों और पर्यावरण, मनुष्य अपने सभी आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण पर निर्भर है, लेकिन इसमें क्या है कि मानव गतिविधियों ने कई तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है। द ओवर यूज ऑफ रिसोर्स हैज पॉल्यूटेड सोयल, वाटर एंड एयर एंड डिप्लेटेड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाटर, ऑयल एंड मिनरल्स। तो संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी का जल और वायु प्रदूषित हो गए और वनों, जल, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई। मैनी स्पेसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट ऑफ और हैव लार्जली रिड्यूस्ड इन नंबर। तो जीवों और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई अथवा इनकी संख्या में काफ़ी कमी हो गई। सेव द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का हम बचाव कैसे करें? तो देयर आर मैनी वेज टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम वातावरण को, एनवायरनमेंट को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर एज़ फॉलोज। इनमें से कुछ हैं, कुछ निम्नलिखित हैं। क्या है? तो डू नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल्स और गार्बेज ऑन द रोड और अदर पब्लिक प्लेसेस। यूज द डस्टबिन्स। सड़कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा या कोई भी ऐसी गंदी वस्तुएं ना फेंकें, डस्टबिन का प्रयोग करें। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स विच आर ए सीरियस थ्रेट टू एनवायरमेंट। यूज पेपर और क्लोथ बैग्स इंस्टेड। प्लास्टिक बैग्स ना इस्तेमाल करें क्योंकि ये पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। कागज का उपयोग करें या कपड़े का बैग के बजाय खुले या कपड़े या बैग का उपयोग करें। डू नॉट स्पिट, यूरिनेट और डिफिसेट इन ओपन और पब्लिक प्लेसेस। तो खुले या सार्वजनिक स्थानों पर थूकें ना, पेशाब ना करें या फिर शौच वगैरह ना करें। डू नॉट पॉल्यूट द रिवर्स बाय थ्रोइंग एनी वेस्ट मटेरियल्स। किसी भी अवशिष्ट पदार्थ को फेंकने से नदियों को प्रदूषित ना करें। वी कैन सेलिब्रेट वन महोत्सव और फॉरेस्ट फेयर एंड प्लांट ट्रीज। हमें वन महोत्सव या वन मेले और पौधे के पेड़ या उसे मना सकते हैं। मेला, वन महोत्सव वगैरह इस टाइप की चीज़ों को मना सकते हैं जिससे कि ये लोगों में इंकरेजमेंट होगा कि पौधे लगाना चाहिए और वातावरण को बचाव इस प्रकार से होगा। वेस्ट, तो वेस्ट हो गया अपशिष्ट पदार्थ। अनवांटेड एंड अनयूजेबल थिंग्स आर कॉल्ड वेस्टेज।
तो अनुपयोगी वस्तु या अवांछित और अनुपयोगी जो चीज़ें हैं ये अपशिष्ट इन्हें कहा जाता है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इन ईयर ए सिंगल पर्सन प्रोड्यूसेस गार्बेज अबाउट 10 टाइम्स ऑफ हिज ओन बॉडी वेट। अनुमान लगाया गया है कि एक ईयर में, एक साल में एक व्यक्ति अपने वजन का लगभग 10 गुना कचरा पैदा करता है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेस्टेज, यहाँ पर 3 प्रकार के जो कचरे हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, सॉलिड वेस्ट, ठोस अवशेष, लिक्विड वेस्ट, तरल अवशिष्ट और गैसियस वेस्ट, गैसीय अवशिष्ट। सॉलिड वेस्ट, ठोस अवशिष्ट। सॉलिड वेस्टेज आर वेस्टेज एंड गार्बेज फ्रॉम होम्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिस, मार्केट प्लेसेस, ईटीसी। ये ठोस अपशिष्ट जो है ये वैसे अपशिष्ट है जो घरों के कचड़े वगैरह, हॉस्पिटल से, अस्पतालों के कार्यालय से या किसी भी मार्केट प्लेस से, इन जगहों से जो कचरा निकलता है इन्हें सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट पेपर्स, प्लास्टिक, ब्रोकन फर्नीचर, बॉटल, न्यूज़पेपर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और ये जो है अखबार, सब्जी, फल, टूटे हुए फर्नीचर, प्लास्टिक के बॉटल, वेस्टेज जो है पेपर, प्लास्टिक, ये सभी रूपों में रहते हैं। लिक्विड वेस्ट, तरल अपशिष्ट। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड सीवेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड वेस्टेज। तो इंडस्ट्री, उद्योगों से, कल कारखानों से जो कचरा निकलता है, नालियों में जो लिक्विड के रूप में, तरलों के रूप में जो कचरा रहता है, ये जो है लिक्विड वेस्ट कहलाते हैं। गैसेस वेस्ट, गैसेस वेस्ट में स्मोक, डस्ट, कार्बन मोनोक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस फॉर्म गैसेस वेस्ट। धुआं, धूलकण, कार्बन मोनोक्साइड जैसे हानिकारक गैस और अदर हानिकारक जो गैस है ये गैसेस वेस्ट में रहते हैं। द वेस्टेज कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो वेस्ट को हम क्लासिफाइड वर्गीकरण कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, द वेस्ट मटेरियल्स दैट डिकम्पोज इजली एंड गेट मिक्सड विथ द सॉयल इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वह उसे कहा जाता है जो आसानी से मिट्टी में मिलकर अपघटित हो जाता है। जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लीव्स आर द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। फलों और सब्जियों के छिलके, छोड़े हुए खाने जो बर्बाद हो जाते हैं, खाने जिसे फेंक दिया जाता है, पेपर, मरे हुए पौधे, जानवर और पत्तियां, ये जो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, ये जो है द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज मटेरियल्स डू नॉट डिकम्पोज इजली, ये आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। दिस मटेरियल्स डू नॉट मिक्स विद द सॉयल एंड रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड। ये मटेरियल जो है ये आसानी से मिट्टी में नहीं मिलता है और ये वातावरण में एक लंबे समय तक विद्यमान रहता है। प्लास्टिक गुड्स, एल्यूमिनियम कैंस एंड सिल्वर फॉयल आर ए फ्यू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स। प्लास्टिक के सामान, एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह, सिल्वर के, ये जो है कुछ ऐसे हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में गिने जाते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, अब इसे कैसे वेस्टेज को, इसका अपघटन किया जाता है कैसे करेंगे, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ए प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। एक उचित अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली रखना महत्वपूर्ण है, विच इंक्लूड्स कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग, रिसाइकिलिंग और डिस्पोजल एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। अपशिष्टों का जो निपटान है वो परिवहन, उपचार, अपशिष्ट पदार्थों की रिसाइकिलिंग, ये सब चीज़ें हैं पुनर्बनावट या निपटान और निगरानी, अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए ये जो है जरूरी है। अब कैसे करेंगे, तो द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू डिस्पोज वेस्ट मटेरियल्स। तो इसके लिए कुछ निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो क्या क्या जाता है, तो बर्निंग, तो जला देना चाहिए। तो कैसे जलाएंगे, तो इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में सॉलिड वेस्टेज आर फर्स्ट कलेक्टेड टू वन प्लेस एंड बर्न्ड।
तो इस प्रक्रिया में पहले ठोस कचरे को एक स्थान पर एकत्र कर इसे जला दिया जाता है। बट बर्निंग ऑफ सम वेस्ट प्रोड्यूस हार्मफुल स्मोक्स, लेकिन कुछ अवशिष्टों को जलाने से हानिकारक धुआं पैदा होता है। दिस प्रैक्टिस इज जनरली फॉलोड इन द कंट्रीज वेयर लैंड इन स्केयर। आमतौर से ऐसी प्रथा उन देशों में अपनाई जाती है जहां भूमि दुर्लभ हो। डंपिंग, डंपिंग में क्या होता है कि इन मोस्ट सिटीज एंड टाउन दिस मेथड इज यूज्ड। अधिकतर शहरों और कस्बों में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सॉलिड वेस्ट आर लोडेड इन ट्रक्स एंड आर देन टेकन फार अवे फ्रॉम द टाउन और सिटी एंड डम्प्ड इन एन ओपन एरिया। इस कचरे को ट्रक में भरकर उन्हें शहर या शहर से दूर ले जाया जाता है और किसी खुले स्थानों पर फेंक दिया जाता है। हाउएवर सच प्रैक्टिस कैन बी डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट एंड फॉर आवर हेल्थ। तो अंतु ऐसा जो अभ्यास है ये पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। लैंडफिल, अपशिष्ट भराव क्षेत्र। इन दिस मेथड, इस पद्धति में डीप डिचेसेस आर डग इन द ग्राउंड एंड द गार्बेज इज डम्प्ड इन देम। भूमि में गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं और उसमें कूड़ा डाल दिया जाता है। व्हेन दे आर फुल दिस डिचेस आर कवर्ड बाय समथिंग। जब ये पूर्ण रूप से भर जाता है तो इसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। कंपोस्ट पिट, खाद गड्ढे। कंपोस्ट पिट इज समथिंग विच कैन बी मेड एट होम। तो ये जो खाद गड्ढे जो हैं इसका निर्माण घर पर किया जा सकता है। कॉमनली फाउंड इन विलेज, इट इज कॉमनली फाउंड इन विलेज, ये सामान्यतः जो है गांव में पाया जाता है। दिस कैन बी मेड बाय डिगिंग ए पिट इन द ग्राउंड। इसे बनाने के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदकर बनाया जा सकता है। ऑल द हाउस होल्ड वेस्ट कैन बी पुट इन टू इट। सभी घरेलू कचरे को इसमें डाल दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम द वेस्ट टर्न्स इन टू मैन्योर, इट इज ऑल्सो नोन एज कंपोस्ट। कुछ समय पश्चात यह कचरा खाद में बदल जाता है और इसे कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। दिस मैन्योर इज यूज बाय फार्मर इन देयर फील्ड। इस खाद का उपयोग किसानों द्वारा अपने खेतों में किया जाता है। क्रॉप्स ग्रोन यूजिंग द मैन्योर इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर हेल्दियर, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड्स। रासायनिक उर्वरकों के बजाय इस खाद का उपयोग से उगाई जाने वाली फसलें स्वस्थ होती हैं। इन्हें जैविक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। थ्री आर्स, तीन आर, द थ्री आर्स रिड्यूस रिसाइकल एंड ई रीयूज। बेस समरीज द इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस दैट वी शुड ऑब्जर्व। तीन आर है रिड्यूस रिसाइकल और रीयूज, मतलब कि खपत, पुनर्निर्माण और इसका पुनर्उपयोग करना। ये जो है पर्यावरण के अनुकूल मेथड्स में एक है। लेट अस अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस, हम इनके महत्व को समझें। रिड्यूस, रिड्यूसिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव ऑफ द थ्री आर्स। रिड्यूस जो है ये सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्रभावित करने वाले तीनों आर में से एक है। इट मीन्स रिड्यूसिंग योर कंसप्शन और बाइंग लेस, आपकी अपनी खपत को कम करना या कम खरीदना। गो टू स्कूल बाय बाइसाइकिल, स्कूल साइकिल से जाना चाहिए, जा सकते हैं। इफ स्कूल इज फार अवे देन यूज ए बस और वैन। अगर आपका स्कूल जो है ज़्यादा दूर है तो आप स्कूल वैन या किसी भी बस का उपयोग कर सकते हैं। गो टू स्कूल, सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज लाइट्स फैंस टीवी ईटीसी। बिजली के सभी उपकरणों जैसे कि रोशनी, पंखे, टीवी बंद करके ऊर्जा को बचाएं। When not in use, जब हम इसका उपयोग ना करते हैं। Use only LED bulbs as they consume less electricity. तो electricity को कम खर्चा करने के लिए आप LED का उपयोग कर सकते हैं। Avoid using plastic bags. प्लास्टिक थैला का यूज ना करें। Use cutlery and plates instead of disposable items to reduce garbage. तो कूड़ेदान, प्लास्टिक बैग का उपयोग करने से बचें। कूड़ेदान कम करने के लिए डिस्पोजेबल चीज़ों की बजाय कटलरी और प्लेट्स का उपयोग करें। रीयूज इन्वॉल्व्स यूजिंग ओल्ड प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन। रीयूज का मतलब है कि वैसे सामान का उपयोग करें जिसे बार बार हम कर सकते हैं, जैसे कि बार बार उपयोग करना, ये रीयूज में आता है। कोई भी प्रोडक्ट को बार बार उपयोग करें। क्लोथ नैपकिन एंड शॉपिंग बैग्स कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स।
अब जैसे कपड़ों का जो नैपकिन है, और बाजार में जाने के लिए मार्केटिंग करने के लिए जो थैला है, इसमें हम पुराने कपड़ों से इसे बना सकते हैं। वेस्ट मटेरियल्स लाइक मेटेलिक कैंस, ग्लास जार्स कैन बी रीयूज टू स्टोर थिंग्स इन किचन। वेस्ट मटेरियल्स में जैसे कि मेटेलिक कैंस हो गया, ग्लास हो गया, कोई भी बर्तन हो गया, जार हो गया, इसे हम किचन में रखी हुई चीज़ों से दोबारा से इसे प्रयोग कर सकते हैं। रिसाइकल, रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम एन ओल्ड वन टू रिड्यूस वेस्टेज। रिसाइकल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक नए प्रोडक्ट को बना सकते हैं पुराने सामानों के यूज के द्वारा। मैनी थिंग्स दैट वी यूज ईच डे सच एज पेपर कैन बी रिसाइकल। बहुत सारा सामान जो है हम प्रत्येक दिन उसका उपयोग करते हैं, जैसे कि पेपर, ये रिसाइकल कर सकते हैं इसे। मैनी थिंग्स ऑफ प्लास्टिक मेटल्स एंड ग्लास आर मेल्टेड एंड मेड इंटू न्यू आइटम्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक मेटल के हैं और ग्लास के हैं, जिसे एक नए आइटम में इसे पुनः हम बना सकते हैं। बाय द प्रोडक्ट्स दैट कॉन्टेन रिसाइकल मटेरियल्स, वैसे प्रोडक्ट, वैसे सामानों को खरीदें जिसका कि हम रिसाइकल मटेरियल कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा इसे उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।